तो चर्चा की शुरुआत मैं महेंद्र जी आपसे करना चाहता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक मुझे बताया गया पीसीआर में डॉक्टर संजय निषाद ने भी कुछ मांग रखी है, उसको भी सुनवा दूं, फिर महेंद्र जी मैं आप पास आता हूं। शहरी और मझवा में चुनाव लड़ेंगे अपने चुनाव? निश्चित रूप से सिंबल से चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी, पहले भी लड़ती रही है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी जिसकी सीट होती उसको देकर लड़ाती रही। हम लोग 100 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी तय होगा और भारतीय जनता पार्टी जहां लड़ेगी वहां हम लोग देंगे और जहां निषाद पार्टी लड़ेगी। डॉक्टर साहब, जैसे लोकसभा में प्रवीण जी बीजेपी के सिंबल पर लड़े थे, अगर बीजेपी प्रस्ताव देती है कि आप अपने नेता को ही लड़ाइए कमल के फूल के सिंबल पर, तो मानेंगे? अभी देखिए, बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, बड़ी सोच है, बड़ा सिस्टम है, बैठ के तय करते हैं हम लोग। अभी हम लोग लोकल लोगों को लड़ रहे हैं। नहीं तो लड़ रहे हैं दो सीट का, टहरी और मझवा? नहीं, हम लोग 100 सीट लड़ रहे हैं, दो निषाद पार्टी अपने सिंबल पर लड़े। हाथी और पंजा साफ हो गई थी और साइकिल हाफ हो गई थी, भाजपा हम लोग साथ हो गए। आज के दिन में फिर से समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपनी हरी भरी खेती खिला रही है। ये तो सपा को सोचना पड़ेगा कि कितना कांग्रेस को खिलाते हैं, और जितने कांग्रेस को खिलाएंगे उतनी समाजवादी समाजवादी पार्टी हो जाएगी। ये बाय साउंड बाइट सुनने के बाद तो नहीं लग रहा है कि सब जगह चंगा सी जैसा चल रहा है। तो महेंद्र जी, आप पहले ये बताइए कि अखिलेश की ये क्या पॉलिटिकल मूवमेंट है? इंडिया गठबंधन में भी है, उपचुनाव में यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन है, और बाकी चार सीटों पर बातचीत करके डिसाइड करेंगे, ये कौन सा गठबंधन है? ये तो सीधे सीधे दबाव की पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। नहीं देखिए, निश्चित रूप से गठबंधन में दबाव की ही राजनीति होती है, और जो दल सक्षम होता है, जो ज्यादा वोट जो है अपने पक्ष में लाने में होता है, उसकी दावेदारी मजबूत होती है। और शायद अखिलेश यादव इसी वजह से जो है पहले ही वो कांग्रेस का इंतजार करने के बजाय वो समझ रहे हैं कि इन 10 उपचुनाव सीटें तो 10 ही हैं, लेकिन इनका महत्व, राजनीतिक महत्व कितना बड़ा है, और शायद इसीलिए उन्होंने इस पे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जिसमें अगर आप देखें तो चाहे करहल हो, वहां पे तेज प्रताप यादव जो है उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, कटहरी है, वहां पे लालजी वर्मा की पत्नी को उन्होंने किया है, उसके बाद हाँ मिल्कीपुर है, वहां पे अवधेश प्रसाद के बेटे को किया है। तो ये तय थे प्रत्याशी उनके। कांग्रेस अखिलेश यादव को पता था, या कांग्रेस को भी ये पता था कि ये जो तय सीटें हैं उस पे कोई भी एक असामंजस्य की स्थिति बनाए बगैर वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। कांग्रेस, उनको पता है कि उनकी चुनौती भारतीय जनता पार्टी की चुनावी मशीनरी से है, और वो मशीनरी जो है वो हमेशा, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, वो कार्य करती रहती है। और जिस प्रकार से अभी आप देखिए कि हरियाणा में जो माइक्रो मैनेज किया भारतीय जनता पार्टी ने, और एकदम से आप कहें कि सभी के आकलन को धराशाही कर दिया, तो अखिलेश यादव ये जानते हैं कि अगर उनके समक्ष उनको चुनौती देनी है तो तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपको उनसे अगर मैच करना है तो उनकी तरह से रणनीति बनानी होगी। और उनकी यही रणनीति है कि हम पहले उम्मीदवार घोषित कर दें जिससे उसके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा माहौल बनाया जा सके। कांग्रेस अगर लेट लतीफी करती है तो इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। और कांग्रेस की जो मांग है, जिस प्रकार से अविनाश पांडे की बाइट आपने सुनाई, तो वो मुझे लगता है कि वो जायज मांग नहीं है। कांग्रेस पार्टी को ये सोचना चाहिए कि क्या वोटिंग बिहेवियर रहा है लोगों का, किस प्रकार से कांग्रेस को ये जिस प्रकार से उन्होंने लोकसभा चुनाव में माना था कि उत्तर प्रदेश में अगर संगठन की बात करें, अगर जमीन पे कार्यकर्ताओं की बात करें, तो कहीं कहीं समाजवादी पार्टी उससे कोसों दूर है, कोसों आगे है। अगर आप संगठन और कार्यकर्ता की दृष्टि से समाजवादी पार्टी के शक्ति का आकलन करें तो और कांग्रेस के पास न तो कार्यकर्ता है न संगठन है उत्तर प्रदेश में, ऐसे में आधी आधी सीटें मांगना मुझे लगता है कि वो मतलब एक आप बार्गेनिंग टैक्टिक्स हो सकती है कांग्रेस पार्टी की। लेकिन अखिलेश यादव ने उसका इंतजार नहीं किया, उनको ये पता है कि इन 10 जो उपचुनाव है 10 सीटों पे इनके नतीजे बहुत दुर्गामी होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। इसमें बहुत कांग्रेस पार्टी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए और
अखिलेश यादव ने कही वो है तो कि आपने हमारा गठबंधन जो है अभी कांग्रेस के नेताओं का रिएक्शन, कैमरे पर जो रिएक्शन है वो ऑब्वियस है कि पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। रमेश ठाकुर जी, कांग्रेस के पल्ले में कुछ नहीं है और चाहिए सब कुछ। नहीं, सही बात है, चाहिए भी जो उनके लाइंस में उनके साथ में है और लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करा है। अब ये कह नहीं सकते कि उनके वजह से हुआ है या दूसरे के वजह से हुआ है, गाड़ी तो चल पड़ी ये मान के चलना है और ये दोनों दल मान के चलना है। और आज की डेट में चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, चाहे बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो, किसी के बूते की बात नहीं रहेगी कि वो सिंगल फ्रेम में आके जनता को रिझा ले और चुनाव में आके कूद पड़े। उनको छोटी पार्टी या बड़ी पार्टी सबका सहयोग लेना पड़ता है। अब बात यहाँ पे ये कह देना कि कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो रही है, बिल्कुल बल्ले बल्ले हो रही है, उनका ना कोई जनाधार है ना उनके कार्यकर्ता है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, पार्टी बड़ी है, एक आत्मविश्वास से भरी हुई है। जब से प्रियंका जी उतरी है मैदान पे, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उसके बाद में लोकसभा और कोई भी आप चुनाव देखो, अब अगर हरियाणा का चुनाव भी है तो इसको ज्यादा अंडरएस्टिमेट आप करके नहीं देखोगे कि कांग्रेस बहुत पिछड़ गई। कांग्रेस ने पिछले के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस करा है, उनकी सीटें भी बढ़ी हैं, वो अलग बात है उनका रिजल्ट मुझे लग रहा उनके ना, ये फेवर में नहीं आप ही आता। लोगों की टिप्पणी से राहुल गांधी ज्यादा प्रभावित रहते हैं। नहीं, आप लोग सरीखे राहुल एनालिस्ट ना, राहुल गांधी को बूस्टर डोज दिए रहते हैं कि चिंता देखो, की बात राहुल क्या है। गांधी 31 से 37 हो गए, 28 से 39.03 हो गए, आप चिंता कतई मत कीजिए। आप ही हैं जो बीजेपी को रोक रहे हैं पूरे देश में। बाकी अखिलेश देखो अखिलेश क्या है, ये तो लामबंद होके खड़े होंगे ना। देखो चौहान जी, देखो आपके हमारे से फर्क नहीं पड़ता है, उनका थिंक टैंकर इतना बड़ा है, चाहे मोदी जी हो जाए, कांग्रेस के कोई बड़े नेता या कोई भी दल हो जाए, उनको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जब ग्राउंड पे समीक्षा करते हो आके और चश्मा हटा दो, आप लाल लाल पीला काला जो चश्मा है ना, वो सब हटाना पड़ेगा राजनीतिक तौर पे कि आप कांग्रेस का पक्ष ले रहे हो या बीजेपी का पक्ष ले रहे हो। एक्चुअल तरीके से अगर आप बात करोगे, अगर जमीन पे आकर अगर बात करोगे, तो जो यथा स्थिति है उस पे ही बात करनी चाहिए। अब बात आ जाती है, जिस तरीके से 10 सीटें हैं इसमें कांग्रेस अगर दावा करे 5 तो कोई तुक नहीं बनता है, अगर कहे 4 दे दो तो भी कोई मानने के लिए राजी नहीं है। और जिन जिन सीटों पे चुनाव हो रहा है, उपचुनाव होगा, यहाँ पे कांग्रेस का कुछ रहा नहीं है। ये ऐसा भी नहीं है कि भाई तीसरे चुनाव में कांग्रेस की यहाँ पे कोई उम्मीदवार जीता हो या तीसरे चौथे नंबर पे रहा हो। तो इस लिहाज से जब पूरा अगर सिनेरियो अगर आप देखो तो याद आता है लोकसभा चुनाव। हम आपके साथ ही लगातार, अब जब हम लोग बात कर रहे थे इस बात को लेके कि नहीं, पहली लिस्ट अखिलेश यादव ने जारी कर दी, अब तो गठबंधन होगा ही नहीं। अब पीडीए की एक नई यात्रा निकल गई, अब तो गठबंधन होगा ही नहीं है, दूसरी लिस्ट आ गई, अब भी नहीं होगा। लेकिन अंततोगत्वा क्या हुआ, उनका गठबंधन हुआ, जिन सीटों पे नहीं होना चाहिए था उन सीटों पे भी हुआ। ऐसी ऐसी सीटें अखिलेश यादव ने दी जहां पे मुझे लगता है कि कांग्रेस का बिल्कुल भी वहां पे कार्यकर्ता नहीं थे, ना जमीन पे थे ना आसमान पे थे, कहीं पे नहीं थे। लेकिन वही कह लो कि देखो, जब साथ आ गया तो उनके बदौलत कौन जीता कौन हारा वो सब आपके सामने है। अब 10 सीटों में मुझे लग रहा है अगर 2 सीटें भी अगर कांग्रेस के खाते में चली जाती हैं, अगर उनको दे देते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात रही है। क्योंकि 5-6 सीटों पे जो जो इन्होंने अपना कैंडिडेट जो उतारा है, ये देखो पहले से तय थे, ये आपको सबको मानना पड़ेगा। अब जिस तरीके से ये मजबा से थे, डॉक्टर ज्योति थी उनका नाम पहले तय था, फूलपुर से मुस्तफा जी थे, मुस्तफा जी पहले भी तमतमा रहे थे कि भाई जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तब वो भी सीट मांग रहे थे, लोकसभा की भी मांग रहे थे। तो अंततोगत्वा क्या हुआ, ऐसा मौका मिल गया, भाई बाय इलेक्शन हो रहा है आपको उतार दिया जाता है। तो ये अखिलेश यादव भी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती है कि इन सीटों पे उनके नाम और पहले कुंदर से की तय नहीं है। और उतारेंगे क्यों ना, क्यों रमेश जी, कुंदर की नहीं। जी जहाँ लगातार जीतते आ रहे हैं, बीजेपी कुंदर की 98 में एक बार जीती थी, वो भी चंद्रसेन सिंह उपचुनाव में, वहां जहाँ सबसे मजबूत सीट थी वहां नहीं उतारा। कि वहां कैंडिडेट उतार देंगे तो बीजेपी पत्ते खुल जाएंगे कि वो आरएलडी से एक्सचेंज कर लें। मीरापुर और कुंदर की वहीं तक रोके रहेंगे ना। देखिए देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेटजी होती है कि हम पत्ते तब खोलेंगे कि मैदान में सामने लड़ने वाला पहलवान कैसा कमजोर है,
मीडियम है या उसको हम पटक देंगे, तो इस तरीके से बड़ी जो सीटें होती है वहां पे ऐसा होता है। ठीक है, दूसरी जी, बात आपने बड़ी बात कही रशीद जी, जो रमेश जी की बात है वो भी ठीक है, पहलवान कैसा सामने है, गठबंधन है तो जाएंगे तो जिताऊ और टिकाऊ के साथ ना, कि कांग्रेस जो भी मांग दे उसके साथ चल पड़ेंगे। कुंदरकी की बात तो चौहान साहब ये है कि वो समाजवादी की सीट है, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे की तलाश वहां कर रही है पिछले काफी दिनों से, वो तो इस वजह से शायद हो सकता है कि उन्होंने अभी अपना कुंदरकी का जो शायद मुझे जहां तक एक उड़ती उड़ती खबर चल रही है, आप लोगों से कंफर्म कर लो, सब वरिष्ठ लोग हैं सुन रहे हैं, एसटी हसन आरएलडी जा रहे हैं या मालूक नागर, इन्हीं दो लोगों में से एक लोग आ रहे हैं कुंदरकी से आरएलडी से। अब मल्लुक नगर कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं उनके बारे में तो पता नहीं, चूंकि तीन दफा तो बदल चुके हैं, अब चौथी बार भी अगर बदलते हैं तो बात अलग है। नहीं नहीं आरएलडी में ही है मल्लुक नगर ना, अब तो राष्ट्रीय महासचिव है मल्लुक नगर, तो उससे पहले भी आरएलडी में थे वो, तो 15 बरस पहले भी आरएलडी में थे, मेरठ से लोकसभा लड़ चुके हैं वो आरएलडी। नहीं नहीं वो मुझे मालूम है। खैर मैं जरा टॉपिक पे आ जाता हूँ चौहान साहब, जो आपने रखा है जी, हालांकि मुझे हैरत इस बात की है ये पूरा प्रदेश पल्लवी पटेल की माताजी की बात भूल गया और आपको याद है, बड़ी पहली बात तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और दूसरी बात यह है कि इससे बड़ी घटना यह है कि प्रवीण निषाद जो है कल धमकी के रूप में बात कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा यदि ये दो सीटें नहीं दी, मतलब मैंने सुनवा दी वो भी भाई, मैं एक तरफा डिबेट करता ही नहीं हूँ। नहीं चौहान साहब, अभी जब तक मैं मौजूद हूँ, आपकी पहली बार डिबेट में हाजिर हुआ हूँ, मुझे अभी तक वो उनके पापा का बड़ा शानदार बाइट जो थोड़ी सी आपको सूट करती है वो तो दिखाई, लेकिन वो जो दूसरी बाइट जो है ना प्रवीण निषाद वाली, उसमें ज्यादा तल्ख ये है, वो अगर दिखाते तो हमारे जो दर्शक हैं वो भी ज्यादा इंजॉय करते, भारतीय जनता पार्टी को सीधी